दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि एक पुरुष को किस प्रकार का अंडरवियर पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए ऐसा अंडरवियर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि आज के समाज में जो है ना, जींस का प्रावधान जो है, जींस पैंट पहनने का, ये सबसे ज़्यादा चल रहा है और जींस पैंट पहनने से बहुत सारे हानि हो रही है। अब हम आपको एक एक करके सारी जानकारियां देते हैं। दोस्तों जींस पैंट का खोज जो हुआ, यानी जो हम जींस पहनते हैं, ये अमेरिका में हुआ था। वो भी चरवाहों के लिए हुआ था, क्योंकि जब वो गाय भैंस बकरी चराने के लिए जाते थे तो उस समय जो है उनके पैरों में छोटे छोटे लकड़ियां चुभ जाते थे, कांटे चुभ जाते थे, इसलिए वहां पे जींस की खोज हुआ। क्योंकि जींस के कपड़े जो होते हैं काफी मोटे होते हैं। ये सामान्य तौर पर जो है आप अक्सर भी देखे होंगे कि किसी ऑफिशियल काम में जाते हैं तो आप जींस का प्रयोग नहीं करते, हमेशा फॉर्मल कपड़ा ही पहना जाता है, क्योंकि जींस जो बना है आपके लिए नहीं बना है, ये चरवाहों के लिए बना है। यानी जो लोग गाय भैंस चराने के लिए जंगल में जाते हैं उनके लिए जींस का निर्माण हुआ है। ये सर्वप्रथम जो है अमेरिका में इसका जो है जींस का खोज हुआ था, और वहीं पे इसकी कपड़े को काट करके जींस पैंट बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे बात करें अंडरवियर की, तो अंडरवियर जो है हमें हमेशा कॉटन का ही पहनना चाहिए, वो भी ढीला पहनना चाहिए। ज़्यादा टाइट अंडरवियर पहनने से आपके अंदर शुक्राणु में कमी आ सकती है, शुक्राणु के वृद्धि में कमी आ सकती है और शुक्राणु के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि शुक्राणु के स्वास्थ्य मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जो शुक्राणु होते हैं अक्सर आप देखे होंगे उनमें एक छोटा सा पूंछ होता है, वो पूंछ काफ़ी पतले होते हैं और पूंछ के सहारे शुक्राणु जो है आपके पुरुष के अंगों से निकल करके और वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद जो है ओवुलेशन होता है, यानी एक प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं जिससे कि एक इम्ब्रायो यानी भ्रूण के निर्माण होता है और धीरे धीरे बच्चा बनता है। अगर आप ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं, यानी ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, तो इससे गर्मी होगा, गर्मी होगा तो आपके शुक्राणुओं में काफ़ी कमी आएगी और आपके शुक्राणु खराब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कोशिश करें कि कम से कम कॉटन के पहने और हल्का ढीला जरूर पहने, रात में थोड़ा अच्छे तरीके से सोए ताकि बाहरी वातावरण से उसको ठंडक मिले। किसको? आपके अंडकोश को, टेस्टिस को थोड़ा ठंडक मिले, जिससे कि शुक्राणु की गुणवत्ता हमेशा बराबर रहे। अब इसको टेम्परेचर क्यों चाहिए? देखिए, मानव शरीर का टेम्परेचर 97.6 डिग्री फारेनहाइट से आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वही बात करें अंडकोश को कितना टेम्परेचर चाहिए, तो दोस्तों इसको जो है टेम्परेचर के लिए 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही टेम्परेचर चाहिए। यानी हमारे शरीर की जितनी तापमान की आवश्यकता है उससे थोड़ा कम आपके टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो यह दोनों जांघों के बीच जो है लटके हुए अवस्था में रहते हैं, यानी हमारे बॉडी से हट के, ठीक है, हमारे बॉडी से हट के ये अवस्थित रहते हैं जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया करते हैं। ठीक है, ये हमारे गॉड गिफ्टेड जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये भी कमाल की है। सोचने वाली भी बात है कि उनको कितना नॉलेज होगा जिन्होंने इसकी सृजना की, जिन्होंने इसको बनाया, कि इसको कितना टेम्परेचर कहाँ से मिल पाएगा, बाय गॉड सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बस यही बताने वाले थे कि कोशिश कीजिएगा नॉर्मल से नॉर्मल अंडरवियर पहने, हल्का ढीला पहने और सूती का ही पहने, उलेन ना पहने, पॉलिस्टर ना पहने, नायलन ना पहने, जर्जेट ना पहने, इससे आपको होगी भारी नुकसान। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।